नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एस के गुप्ता होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बताऊंगा, नी ज्वाइंट या जो स्मॉल ज्वाइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है, तो उसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी उसकी दवाएं हैं और इसके क्या क्या कारण होते हैं। सर्दी का समय शुरू हो रहा है और इस समय एक बहुत ही आम समस्या बनी हुई है, जोड़ों में दर्द, नी ज्वाइंट पेन, फिंगर्स में पेन, अर्थराइटिस, जोड़ों का टेढ़ा हो जाना, ये बहुत ही कॉमन समस्याएं बनी हुई है। तो ये हम दो वीडियो में इसको पार्ट वन और पार्ट टू में लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए आज हम शुरू करते हैं पार्ट वन। नी ज्वाइंट या जो भी स्माइल ज्वाइंट्स होते हैं ये पार्ट वन में हम बताएंगे, और जो लार्ज ज्वाइंट होते हैं जैसे कूल्हे का ज्वाइंट है या जिसको हिप ज्वाइंट कहते हैं, उसके लिए क्या कारण है और उसके लिए क्या क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या दवाएं आप ले सकते हैं। तो सब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपको सबसे पहले कॉमन चीज़ बताते हैं कि गठिया क्या होता है, जिसको रूरल लैंग्वेज में गठिया कहते हैं, गठिया या जिसको इंग्लिश में गाउट कहते हैं, कोई लोग इसको ग्रंथिवाद कहते हैं। छोटी छोटी ग्रंथियों में स्माइल ज्वाइंट्स होते हैं, फिंगर्स के ज्वाइंट्स हैं या पैरों में छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, उनमें पेन हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो जब भी स्माइल ज्वाइंट्स की बात आती है तो इसको गाउट कहते हैं। स्माइल ज्वाइंट्स यदि अफेक्टेड होते हैं पेन से, स्वेलिंग से, तो इसको गाउट के अंतर्गत लेते हैं और इसको अर्थराइटिस भी कहते हैं। जब इन छोटे स्मॉल ज्वाइंट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये टेढ़े हो जाते हैं या क्लॉ बन जाता है, तो इसको अर्थराइटिक डिफॉर्मिटेंस कहते हैं। तो डिफॉर्मिटी जब अर्थराइटिस में आ जाती है तो इसको अर्थराइटिक डिफॉर्मिटेंस के अंतर्गत लेते हैं। वैसे जो भी स्मॉल ज्वाइंट्स हैं उनमें यदि पेन होता है या बहुत ही क्रॉनिक समय तक ये पेन बना रहता है तो इसको ही अर्थराइटिस कहते हैं। तो आप क्या समझे कि स्माइल ज्वाइंट अफेक्टेड होते हैं तो उसको अर्थराइटिस की कैटेगरी में लेते हैं और उसी को गाउट कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ग्रंथिवाद या गठियावाद कहते हैं। छोटी छोटी गांठों में पेन शुरू हो जाता है, ज्वाइंट्स में, स्मॉल ज्वाइंट्स में गठाने बन जाती हैं, ज्वाइंट्स ओपन नहीं हो पाते, मूवमेंट इनका डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ज्वाइंट, या कभी कभी क्लॉ बना लेते हैं। दूसरी चीज़ है संधिवात। पहला आपने समझ लिया गाउट क्या होता है, अर्थराइटिस क्या होता है, स्माइल ज्वाइंट इससे अफेक्टेड होते हैं। दूसरी चीज़ है रूमेटिज्म। यदि इसी चीज़ से बड़े ज्वाइंट अफेक्टेड होते हैं, लार्ज ज्वाइंट अफेक्टेड होते हैं, हिप ज्वाइंट है या और भी बड़े ज्वाइंट्स होते हैं, तो इसी चीज़ को रूमेटिज्म कहते हैं। रूमेटिज्म बड़े ज्वाइंट्स के लिए यूज किया जाता है। अंग्रेजी का जो रूमेटिज्म वर्ड है वो बड़े ज्वाइंट जब पेन, स्वेलिंग और इसमें टेंशन क्रिएट होता है तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है रूमेटिज्म। गाउट हमेशा छोटे ज्वाइंट्स के लिए, स्मॉल ज्वाइंट्स के लिए यूज होता है, और रूमेटिज्म बड़े ज्वाइंट जब अफेक्टेड होते हैं, इसको संधिवात भी कहते हैं, तो इसको रूमेटिज्म कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो गाउट का है। भाग एक में हम पार्ट वन में गाउट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि स्मॉल ज्वाइंट्स में होता है। गाउट के कॉजेज क्या हैं? गाउट बेसिकली ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। जो लोग शहरों में रहते हैं, हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती उनको, और बाज़ार की ही चीज़ें ज़्यादातर खाने में यूज करते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं,
एल्कोहल का सेवन अधिक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते या थोड़ी बहुत करते हैं, तो अर्बन जो लोग होते हैं उनमें ये गठिया गाउट की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। या जो नॉनवेज का सेवन बहुत अधिक करते हैं उनके स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं। तो स्मॉल जॉइंट्स में फिंगर्स जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये जो है अफेक्टेड रहते हैं। घुटने में दर्द रहता है, घुटने में स्वेलिंग रहती है, घुटने मोड़ नहीं पाते, चलने में परेशानी होती है, चलने में इतना पेन होता है कि पेशेंट चार कदम भी नहीं चल पाता और पेशेंट बिस्तर पर पड़ा रहता है। और इस कारण हम ये कोशिश करना चाहिए कि एक्सरसाइज करें, नॉनवेज का सेवन बहुत ही ज़रूरी हो तो ही करें, अन्यथा ना करें। रिच प्रोटीन डाइट ना लें, या जो प्रोटीन डाइट है वो कम से कम लें। तो इसका जो मेन कॉज है, जो लाइफस्टाइल होती है, या जो भी रिच प्रोटीन डाइट लेते हैं, नॉनवेज अधिक लेते हैं, या जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाले का डाइट लेते हैं, उनकी बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये आपको जो दिख रहा है गाउट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है यूरिक एसिड। जब डॉक्टर कहता है कि आपको स्मॉल जॉइंट्स में पेन है तो वो कहता है कि आप यूरिक एसिड की जांच करा के आइए। यूरिक एसिड की जांच जब कराते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। नॉर्मल इसका जो पैमाना है वो करीब करीब 4-5 तक मानते हैं, 1-5 तक नॉर्मल रेंज के अंतर्गत आता है। जब यूरिक एसिड ब्लड से जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड 1-5 तक नॉर्मल रेंज में माना जाता है। यदि इससे बढ़ता है तो फिर बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, मस्कुलर पेन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि यदि स्मॉल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है या उसमें गठाने बन रही हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और वो यूरिक एसिड के लिए आपको रिकमेंड करेगा। वो कहेगा यूरिक एसिड की जांच करवाई के आइए। यदि यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है और फिर डॉक्टर को ये लगता है कि यूरिक एसिड के साथ में और भी चीज़ हो सकती है तो वो आरए फैक्टर भी जांच करवा लेता है। रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए एक आरए फैक्टर, रूमेटिक अर्थराइटिक फैक्टर जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी सीआरपी भी करा लेते हैं। तो तीन जांच कराते हैं डॉक्टर, यूरिक एसिड सबसे फर्स्ट, देन फिर आरए फैक्टर कराते हैं और फिर इसके बाद सीआरपी भी करा लेते हैं। ये जो रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी कभी कभी बढ़ जाती है तो उससे भी पेशेंट को फीवर भी आने लगता है और सीआरपी में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है पेशेंट को। तो सबसे कॉमन कॉज है यूरिक एसिड का बढ़ना, देन फिर आरए फैक्टर। ये हो सकता है दोनों सीआरपी और आरए फैक्टर मैक्सिमम लोगों में नेगेटिव आते हैं, बट जिनमें गठाने बन जाती हो वो ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई आती है। तो इसके लिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। जो लोग पानी कम पीते हैं तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है यूरिक एसिड वो बॉडी से नहीं निकल पाता है और वो जॉइंट्स में टॉफी फॉर्मेशन कर लेता है। टॉफी होता है जैसे चॉक लाइक सब्सटेंस होता है, ये एक वर्ड है जो कि मेडिकल लैंग्वेज में यूज होता है कि ज्वाइंट में अंदर चॉक लाइक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है और ज्वाइंट को खुलने नहीं देता। जो भी हिंज ज्वाइंट्स हैं वो यदि उनके बीच में पत्थर जैसा चॉक लाइक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो ज्वाइंट प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी कम हो जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यूरिक एसिड दिस इज द मेन कॉज ऑफ अर्थराइटिस। जिनमें जॉइंट पेन रहता है या घुटनों में पेन रहता है तो यूरिक एसिड की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ी हुई होती है। कभी कभी नहीं भी होती है, इंजरी के कारण भी घुटनों में दर्द होने लगता है, तब यूरिक एसिड से इसका कोई लेना देना नहीं होता। और भी कॉजेज हैं
तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूरिक एसिड की है, और भी कॉजेज माने जाते हैं लेकिन एक यूरिक एसिड को भी एक बड़ा कॉज माना गया है। अब घुटनों में यदि पेन होता है तो आप यूरिक एसिड की जांच करा सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा जब पेन होता है तो वो ये सलाह भी दे देते हैं कि आप वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करें, और नहीं अगर ठीक होता है तो घुटने बदलवा लें। तो घुटने बदलवाना एक बहुत ही जब बिल्कुल समस्या खड़ी हो जाए और कोई भी दवा काम नहीं कर रही तो एक बार आप सोच सकते हो, लेकिन 90% आपको कभी भी घुटने बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। यदि इससे ठीक हो जाता है तो ये जो घुटने बदलने की नौबत ही नहीं आती, 90% पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं और कभी भी घुटने बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके लिए हम बहुत ही अच्छी आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताते हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहली मेडिसिन जो है, जो कि एक्यूट केस के लिए यूज होती है, वो एकोनाइटम नेपिलस। एकोनाइटम नेपिलस, इसमें कोई भी पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं आते। ठंडी हवा में आप गए और तुरंत ही आपको जॉइंट पेन होने लगा, तो आप एकोनाइट की यदि 2-3 डोज ले लेते हैं 30 पोटेंसी की या 200 पोटेंसी की, तो वहीं वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि एकोनाइट के पेशेंट में कोई भी पैथोलॉजी या क्रॉनिक पेशेंट ये नहीं होता है। तो जैसे ही हवा लग गई, ठंडी हवा लग गई, या आपने कुछ ठंडा वाटर यूज कर लिया है नहाने में तो पेन होने लगा है, तो तुरंत ही आपको 1-2 दिन में रिलीफ हो जाएगा एकोनाइट से। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। ये एक्यूट मेडिसिन है, एकोनाइट एंड बेलाडोना। बेलाडोना इज द मेन, जो इसका कीनोट है वो कंजेशन है, थ्रॉबिंग। यदि जॉइंट्स के अंदर ब्लड का कंजेशन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, और ये भी एक्यूट मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है बेलाडोना। यदि 2-4 दिन से आपको पेन हो रहा है जॉइंट्स में या नी में, तो आप बेलाडोना ले लेंगे तो आपको 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेडिसिन क्रॉनिक, जब बहुत लंबे समय से आपको पेन है, तो ये कम काम करती हैं। तो इसके लिए और भी दवाएं हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्रॉनिक केसेस के लिए जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो सबसे पहली मेडिसिन है पल्सिटिला। पल्सिटिला मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका पेशेंट मोस्टली फीमेल होती हैं, मेल में भी ये काम करता है ऐसा नहीं है, लेकिन फीमेल पेशेंट में, चूँकि गायनिक हिस्ट्री यदि पल्सिटिला से इसकी मैच करती है पेशेंट की, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। पल्सिटिला का पेशेंट का जो पेन है वो जगह बदलता है। सबसे ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम जो है पल्सिटिला का, वो कभी घुटने में पेन होता है, कभी एल्बो में पेन होता है, कभी फिंगर्स में पेन होता है। तो ये पल्सिटिला का जो पेशेंट का पेन है, ये जगह बदलता है। दूसरी मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं ब्राइनिया। ब्राइनिया एक ऐसी दवा है जिसमें एक पिक्यूलियर सिम्टम पाया जाता है जो कि रस्टॉक से अपोजिट होता है। ब्राइनिया जो पेशेंट होता है, ब्राइनिया मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करती है। नी जॉइंट में या फिंगर जॉइंट में म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन ये पेशेंट को रेस्ट करने से रिलीफ होता है। यदि पेशेंट मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर बैठा है, तो पेन कम होगा, नहीं भी होगा, लेकिन जैसे ही मूवमेंट करता है वो थोड़ा सा, तो ब्राइनिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी वर्क करता है हैंड से, फिंगर से, नी से, तो थोड़ा सा भी चलता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी होती है। इसमें पेशेंट को कब्ज रहता है, उसकी इंटरनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है। तो जब कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री हो और जॉइंट पेन हो जो कि मूवमेंट से बढ़ता है, तो ब्राइनिया 30-200 दे सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये ब्राइनिया की सीधी अपोजिट है। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें रस्टॉक्स में उसको मूवमेंट से रिलीफ होता है। जब पेशेंट चलता रहता है तो उसको पेन नहीं होता, और जैसे ही वो बैठ जाता है तो उसको पेन शुरू हो जाता है। ब्रानिया में जब वो चलता रहता है तो उसको पेन बढ़ता ही जाता है।
जबकि रेस्टॉक्स में यदि पेन थोड़ा सा बैठने उठने में उसको पेन होगा लेकिन वो चल देता है तो उसकी जो चलने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है और उसका पेन भी रिलीफ हो जाता है। तो रेस्टॉक्स ज़्यादातर ये मेडिसिन बरसात के दिनों में बहुत अच्छा काम करती है, ठंड के दिनों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ज्वाइंट पेन के लिए रेस्टॉक्स एंड ब्रैनिया ये दोनों में अपोजिट सिम्टम होते हैं। तीसरी मेडिसिन नेक्स्ट मेडिसिन है अर्टिका यूरिन्स। अर्टिका यूरिन्स ये यूरिक एसिड, जिन पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण पेन हो रहा है जॉइंट्स में, ये यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी 5-10 ड्रॉप दिन में 2-3 टाइम गुनगुने पानी में डालकर आप ले सकते हैं और अधिक से अधिक पानी पिएं तो ये यूरिक एसिड बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉल्चिकम का मदर टिंचर। कॉल्चिकम मेडिसिन जो डाइजेस्टिव ट्रबल भी रखते हैं या जिनका पेट खराब रहता है, आँव की शिकायत रहती है, उनको भी काम करती है। और कॉल्चिकम घुटनों के दर्द में, जॉइंट्स पेन में एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसका भी मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। कॉल्चिकम जो इसका पेशेंट है, इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि मसालों की गंध सहन नहीं कर पाता। कॉल्चिकम पेशेंट को मसालों की गंध से उल्टी आती है। ये किचन में जैसे ही पेशेंट जाता है तो उसको उल्टी आने लगती है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका। अर्निका का मदर टिंचर आप जॉइंट्स पर लगाइए, पेन में बहुत अच्छा रिलीफ करता है। और इसकी 3200 पोटेंसी आप इसको पानी में डालकर ले सकते हैं या ग्लोबिल में बनाकर ले सकते हैं। तो ये भी जॉइंट पेन इंजुरी के कारण या जॉइंट पेन हो रहा है या मस्कुलर इंजुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है आपने, तो ये आपको बहुत अच्छा रिलीफ देती है अर्निका मोंटाना। यदि घुंघरू भी पड़ गए हैं, बच्चे कहीं गिर जाते हैं, तो भी ये लगाने मात्र से ही, मदर टिंचर लगाने से ही बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल एक बहुत ही अच्छी दवा है जो कि अर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं। इसमें कोल्ड से रिलीफ होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है लेकिन वो जैसे ही ठंडे पानी में अपने हाथ पैर डाल लेता है तो उसका पेन कम हो जाता है। तो लीडम पाल 30 या 200 पोटेंसी में आप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। लीडम पाल का पिक्लियर सिम्टम क्या है कि इसको ठंड से रिलीफ होता है। यदि ठंडे पानी में ये दोनों पैरों को डाल लेता है तो इसके जॉइंट्स पेन, पैरों के पेन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिसमेल। ये जब जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एपिसमेल 30 आप दिन में 2 बार, 1 बार ले सकते हैं। जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को रिलीज करने के लिए एपिसमेल बहुत अच्छी काम करती है। एपिसमेल का सबसे एक पिक्यूलियर सिम्टम है ये थर्स्ट लेस, इसमें पानी की प्यास पेशेंट को ज़्यादा नहीं लगती या बिल्कुल भी नहीं लगती, बहुत ही कम लगती है। तो इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम ये भी है कि पेशेंट को पानी की प्यास कम लगती है, जबकि ब्रैनिया में पानी की प्यास बहुत ज़्यादा रहती है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, जो ब्रैनिया का सिम्टम है वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर इन लार्ज इंटरवल। तो ब्रैनिया पेशेंट एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी पीता है, ज़्यादा इंटरवल में पीता है लेकिन पानी की प्यास इसको रहती है, जबकि एपिसमेल में पानी की प्यास नहीं रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जहाँ भी नर्व इंजुरी हो गई है वहाँ जॉइंट्स में या मसल्स में या नर्व में, बेसिकली नर्व इंजुरी के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। जो एक्यूट केसेस में अर्निका काम करती है, वहीं पर यदि वो पेशेंट ज़्यादा दिन इंजुरी लेट हो जाती है या पेरिओस्टियम तक पहुंच जाता है यदि पेन, तो रूटा मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन, ये भी पेन में बहुत अच्छा काम करती है। तो अर्निका का इसको क्रोनिक भी कह सकते हैं रूटा को। नेक्स्ट मेडिसिन है एक्टिया रेसिमोसा, जिसको सीमीसी फ्यूगा भी कहते हैं। एक्टिया रेसिमोसा जो जॉइंट्स के लिए या मस्कुलर पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन होती है एक्टिया स्पाइकेटा, ये
ज्वाइंट्स जो स्मॉल ज्वाइंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो एक्टिया रेसिमोसा जिसको कहते हैं सिमिसिफ्यूगा, ये भी मस्कुलर पेन और ज्वाइंट पेन में काम करती है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा छोटे ज्वाइंट्स आपको मिले, स्मॉल ज्वाइंट मतलब पेशेंट क्या है आटा नहीं लगा पाता, तो फिंगर्स के छोटे छोटे ज्वाइंट्स में भी पेन होता है, तो एक्टिया स्पाइकेटा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है गोएकम। गोएकम एक बहुत ही अच्छी पेन से रिलेटेड ज्वाइंट पेन की मेडिसिन है, ये अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। गोएकम का मदर टिंचर 5-5 ड्रॉप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं आप, या इसकी पोटेंसी 3200 भी ले सकते हैं, ये भी मस्कुलर पेन ज्वाइंट पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स बॉम का। नक्स बॉम का एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी में काम आती है, यदि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अर्थराइटिस है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो नक्स बॉम का एक डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन मर्कसोल, जिनको सिफिलिटिक मयाज्म के कारण या जिनकी तकलीफ रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेन की, या रात को ज्वाइंट पेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से अफेक्टेड जो डिसीज रहती हैं, पेट में मरोड़ रहती है, दस्त लगते हैं, तो ये जो मेडिसिन है मर्कसोल, ये सिफिलिटिक मयाज्म का किंग कहा जाता है। तो सिफिलिटिक मयाज्म से रिलेटेड ज्वाइंट पेन है, नी पेन है, तो मर्कसोल आप दे सकते हैं, 3200 पोटेंसी में दे सकते हैं। ये मर्कसोल में छाले भी होते हैं पेशेंट को, मुँह में छाले हो जाते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्क्रिया फ्लोर। यदि पेशेंट को ज्वाइंट्स में ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो गए हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, तो कैल्क्रिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी ग्लैंड्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, या ग्लैंड्स का साइज बढ़ गया है, या ज्वाइंट में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, तो कैल्क्रिया फ्लोर वो ज्वाइंट्स का जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है उसको घोल देती है और पेशेंट एकदम अच्छे से अच्छा फील करने लगता है। कुछ दिन बाद वो गठान जो भी ज्वाइंट्स में गठान पड़ गई थी वो भी घुलती जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्क्रिया फॉस। किसी को कैल्शियम की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ज्वाइंट्स में पेन होता है तो आप कैल्क्रिया फॉस मेडिसिन 3200 या इसको बायोकेमिक फॉर्म में 6X, 3X, 12X में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बायोकेमिक 19 नंबर। जो 1 to 28 बायोकेमिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं उसमें जो 19 नंबर है वो रूमेटिज्म एंड गाउट के लिए है, अर्थराइटिस के लिए है, ज्वाइंट पेन के लिए है, तो आप इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 4-5 टाइम दे सकते हैं, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अदर मेडिसिन के साथ भी इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छी दवा है और इसमें पेशेंट इरिटेबल टेंडेंसी का होता है, वो डंडा लिए घूमता है कि मैं किसको मारूं, इस टाइप का उसका नेचर रहता है, और इसका जो यूरिन होता है उसमें रेड सेंड आता है, लिथिक यूरिन होता है, जिसको लिथिक यूरिन कह सकते हैं, कि छोटे छोटे उसमें ग्रेबल्स आते हैं, छोटे छोटे रेड सेंड जैसा सेंड दिखता है, यदि यूरिन को लाइकोपोडियम की यूरिन को आप रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे तलछट में रेड सेंड दिखती है, तो ये भी यूरिक एसिड को कम करने में, ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है, या जिनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रहती है और एसिडिटी की हिस्ट्री रहती है, डाइजेस्टिव ट्रबल रहती है, इसका जो एग्रीवेशन टाइम है वो 4 to 8 PM होता है, इवनिंग टाइम में 4 to 8 में किसी को डाइजेस्टिव ट्रबल होती है, ज्वाइंट पेन बहुत होता है 4 to 8 PM, आप सुन लेना 4 to 8 PM शाम को इसके एग्रीवेशन टाइम होता है, इसकी बीमारी बढ़ जाती है, तो किसी को डाइजेस्टिव ट्रबल होती हो, एसिडिटी होती हो, गैस होती हो, ज्वाइंट पेन होता हो, या मेंटली इरिटेबल रहता हो पेशेंट, उसको लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। अब मैंने आपको ज्वाइंट पेन, नी पेन का जो फर्स्ट पार्ट बता दिया है आज, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसको सेकेंड पार्ट लूँगा इसका। आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपको जो मेडिसिन पढ़ना हो, वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।